नमस्कार किसान भाई, राम कैलाश यादव प्रतापगढ़ ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करूंगा, आप देख पाएंगे कि देखिए बीज को अंकुरित करने का, हम भी यहां पर जो है बीज को अंकुरित कर रहे हैं और यहां पर भी देख सकते हैं हम लगभग 4 से 5 सीड्स को अंकुरित करना चाहते हैं। तो ठंडी और सर्दी के सीज़न में इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ, ठंडी और सर्दी के सीज़न में जो है बीज को हम कैसे अंकुरित कर सकते हैं। तो जो बीज को अंकुरित किया जाता है किसान भाइयों ठंडी के सीज़न में, सिर्फ 3 ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, और अन्य तरीका होता है अंकुरित, जमाव होगा लेकिन वो गर्मी पड़ती रहेगी तभी जमाव होता है। और बाकी अगर अभी ठंड के सीज़न में आप अंकुरित या जमाव करना चाहें तो आपका जो भी बीज होगा, चाहे भिंडी हो गया, करेला हो गया, तरबूज हो गया, या खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, या करेला हो गया, नेनुआ हो गया, कोई भी सीड्स है आप अंकुरित करना चाहते हैं तो और भी तरीका नहीं आजमाना है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादा जो है ठंड जब पड़ने लगती है, अगर किसान उस बीज को अंकुरित करना चाहता है, दूसरा तरीका अपनाता है, नया तरीका अपनाता है, तो बीज को क्या है कि सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, अंकुरित नहीं हो पाता है। तो जो भी ठंड के सीजन में बीज अंकुरित करने का सिर्फ 3 तरीका है। इस वीडियो में आपको हम जो 3 तरीके बताऊंगा, ये 100% ऐसा गारंटेड है कि आपका जो बीज है, सीड्स है, अंकुरण होगा, खुद अपना आजमाया हुआ फार्मूला है। बाकी और भी जो फार्मूले हैं जो कि नहीं हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर हम बात करते हैं किसान भाइयों कि जो नहीं हो रहे हैं, देखिए हम जो और भी तरीका आजमाने की सोचा, देख सकते हैं ये रहा जो तरबूज का बीज है, देख सकते हैं ये रहा एक एक बीज इसमें डाला हुआ है, देख सकते हैं ये रहा, आप ये तरबूज जानते होंगे, देख सकते हैं ये रहा तरबूज है। तो इस तरबूज को हमने जो है तरीके से किस तरह से किया वो भी मैं आपको बता देते हैं, जो कि अंकुरित नहीं हुआ है। तो किसान भाइयों ऐसी गलती आपको भी नहीं करना है, क्योंकि इतने महंगे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, हम इसमें गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण जो हमारा बीज या सीड्स से ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, हम फेंक देते हैं। तो ठंडी के सीज़न में अगर आप बीज अंकुरित करना चाहते हैं तो सही तरीके से करें। जैसा कि देखा जाता है कि हम अगर बीज को अंकुरित करना चाहते हैं, इसको भिगो दिए हैं, भिगो देने के बाद हम इसे धूप में रख देते हैं कि अंकुरण हो जाए, तो क्या है इसका नमी सूख लेगा जो इसमें होगा। जैसे कि आप इसको अंकुरण करना चाहें कि हम धूप में रख कर दें या मिट्टी में दबा के कर दें तो अधिक ठंडी पड़ती रहेगी तो नहीं होगा, वो फार्मूला गर्मी के सीज़न में काम आता है। जैसे कि हल्की गर्मी है तब वो काम आता है, जो ठंड के सीजन में है ऐसा हमने ये रखा था, 2-3 दिन 4 दिन हो गया लेकिन अंकुरण नहीं हुआ है। तो जो सटीक तरीका है, सबसे पहला जो तरीका है आपको हम बताना चाहूँगा, पहला तरीका आपको करना क्या है, जैसे कि आप जो भी सीड्स को आप करना चाहते हैं उस सीड्स को भिगो दीजिए, चाहे आपका जो भी बीज हो, तरबूज से लेकर के कद्दू, लौकी, जो भी है उसे भिगो देना है। भिगोने का है लगभग आपको 12 से 18 घंटे तक भिगो देना है। जब आपका सीड्स 12 से 18 घंटे भीग जाता है उसके बाद आपको एक कपड़ा लेना है, सूती कपड़ा होना चाहिए, इस तरह का सूती कपड़ा होना चाहिए, इसमें नमी बनना चाहिए, जब इसमें नमी बनेगा तो ठीक रहेगा। तो इस सूती कपड़े को इतना बड़ा लेना है, सूती कपड़ा कि जितना बड़ा समझ लीजिए कि आपका सीड्स कितना है उसके माप से आप कपड़े को ले सकते हैं। इसमें जब आप बीज को पानी में भिगो दिए हैं 12 से 18 घंटे, तो उसे लगभग 12 से 18 घंटे बाद उसे निकाल लेना, निकालने के बाद उस कपड़े पर रख देना है, रखने के बाद उसे थोड़ा ऐसे दबा देना है, ऐसे ऐसे करके छांव में सुखवा देना है हल्का। उससे क्या है कि अंदर जो पानी अगर पड़ा रहता है तो फफूंद वगैरह लगने का खतरा रहता है, तो ऐसा थोड़ा दबा दे है तो पानी जो है सूख जाएगा। जब सूख जाता है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट में आप उस बीज को डाल करके कपड़े में ऐसे लेकर के गट्ठी मार दीजिए। गट्ठी मारने के बाद इसे जो है आप अपने घर के जो भूसे होते हैं भूसे में रख देना है। तो भूसे में जो रख रहे हो इतने में नहीं रखना है,
भूसे में, जब भी भूसे में रखो तो कम से कम एक फीट, नहीं एक फीट नहीं, एक हाथ या आप डेढ़ हाथ जितना नीचे डालेंगे उतना जल्दी अंकुरण होगा, जितना नीचे डालेंगे उतना जल्दी अंकुरण होगा। तो ये तो हो गया पहला तरीका, हो जाता है दो दिन तीन दिन में। भाई ठंडे के ऊपर जैसे मौसम है बहुत ज़्यादा, अगर ठंडी है तो दो दिन या तीन दिन इतना समय लग जाता है अंकुरण होने में। अब जो दूसरा तरीका आता है, दूसरा तरीका किसान भाइयों आता है कि जैसे हम ले लिए हैं वर्मी कंपोस्ट या गोबर सड़ हुई खाद ले लिए हैं, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो, तो उससे भी हमें क्या करना है, इस तरह से ले लेना है। देखिए ये गोबर का जो है पूरा पैकेट बना हुआ है, इसे में गठरी मार देना है। वर्मी कंपोस्ट वही प्रक्रिया रहेगी, पानी भिगोने हैं 12 से 18 घंटे भिगो देना है, उसके बाद इसे जो है वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर में डाल देना है। डालने के बाद आप जो है इसको गैस जहाँ है आपके पास, गैस खाना बनता है उसके नीचे रख देना है, वहाँ भी दो तीन दिन में ये जो है अंकुरण हो जाता है, वहाँ गर्मी रहती है गैस के नीचे। लेकिन ध्यान रहे ये कपड़ा जो है बहुत ऊपर नहीं उठा रहे, अगर ज़्यादा वो कपड़ा ऊपर उठा रहेगा तो ये क्या है सूख जाएगा, सूखने के बाद इसमें आग लग सकता है, तो ध्यान देना है। और उसको रोज़ निकाल के थोड़ा देख लेना है नमी है या नहीं, अगर नमी नहीं है तो उसमें हल्का पानी का छींटा या छिड़काव कर देना है। अगर नहीं करते तो ये क्या है कि अधिक सूख जाएगा, नमी ख़त्म हो जाएगी तो भी अंकुरण नहीं होता, ये ध्यान रखना है क्योंकि गर्मी ज़्यादा वहाँ रहती है। ये हो गया अपना दूसरा तरीका। अब किसान भैया लास्ट और हमारा तीसरा जो तरीका है, तीसरा तरीका भी बहुत शानदार है। ये हम ले लिए हैं जैसे, उसमें भी वही डालना है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देना है। डालने के बाद जब इसे जो है आप, हो जाता है वही प्रक्रिया है, 12 से 18 घंटे भिगो देना है बीज को, जो भी बीज आपका है भिंडी के कर जो भी तभी भी बीज आपको जो भी, कोई भी सीड्स है तो इसको जो है ले लेना है वर्मी कंपोस्ट या गोबर सड़ी हुई होनी चाहिए, उसमें लेकर के ऐसे गट्ठी मार देना है आपको। देख लीजिए जैसे आपका हो गया है तो यहाँ पर आपको इसे गाँठी मार देना है, यहाँ पर देखिए इस तरह का ऐसे आपको सीड्स को गाँठी मार देना है। देखिए इस तरह गाँठी मार करके आपके वहाँ अगर घूर है जहाँ गोबर सड़ी हुई गोबर है वहाँ लगभग आप इतना समझ लीजिए ढाई से तीन फीट नीचे इसे ऐसे गड्ढा करके लकड़ी से इसको अंदर डाल दीजिए। वहाँ आप हाथ डालेंगे तो देखेंगे बहुत गर्म रहता है, तो वहाँ भी आपका जो भी सीड्स है जो भी ये बीज है वो अंकुरण हो जाएगा, वहाँ भी अधिक गर्मी होती है। सिर्फ यही तीन तरीका है और चौथा तरीका भी अपनाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि हमारा सीड्स अंकुरण नहीं होता, हमारा सीड्स ख़राब हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें।